यूं तो यूपी पुलिस की कई खबरें आपने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन इस बार जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल एक महिला सिपाही को दरोगा से प्यार हो गया, जिसकी खबर पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने अपनी इस लव स्टोरी को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन प्यार छुपाए कहाँ छुपता है। जब लोग इसके बारे में बातें करने लगे तो दोनों ने थाने में ही एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक रेल बाजार थाने में तैनात दरोगा गिरजेश यादव का पास ही के कैंट थाने में तैनात महिला सिपाही भावना तोमर से बीते 1.5 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। धीरे धीरे थाने में अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई। दोनों थाने पास ही है, जिसके चलते दोनों की मुलाकात भी हो जाती थी। वहीं बीते रविवार को महिला सिपाही भावना तोमर थाने से ड्यूटी पूरी करने के बाद घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने इसकी सूचना थाने में दी। महिला सिपाही के ना मिलने पर पुलिस ने उसे ढूंढने लगी। भावना का मोबाइल भी बंद था। आनंद फानंद में जब महिला सिपाही भावना के मोबाइल की DCR निकलवाई गई तो लोकेशन को ट्रेस किया गया तो उसके लास्ट लोकेशन बाबूपुरवा कोतवाली के पीछे बनी पुलिस कॉलोनी की मिली। वहीं जब पुलिस वहां पर पहुंची तो भावना दरोगा गिरजेश यादव के साथ उसके कमरे पर थी। जब अधिकारियों ने इसके बारे में पूछा तो सारा सच सामने आया। दोनों ने बताया कि वह एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तभी अधिकारियों ने दोनों की शादी थाने में ही पूरी विधि विधान के साथ करवाई और दोनों को आशीर्वाद भी दिया। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।